दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त रघुवीर दैया। आप देख रहे हो मेरा चैनल माई आर्ट्स प्रक्ष। दोस्तों मैं मेरे चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं आज आपको शर्ट की कटिंग किस हिसाब से करते हैं भाई वीडियो जानकारी देता हूं। शर्ट की कटिंग, तो दोस्तों ये शर्ट की कटिंग है। शर्ट की कटिंग करने के लिए नॉर्मली साइज का शर्ट हो तो 25 x 2 मीटर कपड़ा चाहिए, और उसके बाद भी यदि शरीर मस्ट पुस्ट हो डबल जेब वगैरह का हो तो फिर आपको 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो मैं ये 2.25 मीटर में नॉर्मल साइज का शर्ट काट रहा हूँ। तो दोस्तों ये सबसे पहले मैंने कपड़ा लिया, कपड़ा फर्स्ट पन्ना इसको मैंने डबल में फोल्ड कर दिया। ये सीधा पन्ना था, इसको मैंने डबल में बराबर में फोल्ड कर दिया और उल्टा भाग ऊपर रख दिया, उल्टा भाग अंदर की और दोनों को आमने सामने करते हुए जमा दिया। और जो कटिंग करूँगा मेरी साइड में दोनों जो खुले हुए भाग है दोनों साइड से वो मेरे सामने रख दिए, और जो जुड़ा हुआ है डबल फोल्ड में वो पीछे की ओर रख दिया। दोस्तों उसके बाद में अब हमें नाप की आवश्यकता होती है कि हमें किस नाप का शर्ट काटना है। तो दोस्तों मेरे पास को काटने के लिए यह है शर्ट की लंबाई 27.5 इंच शर्ट लंबा रखना है, 37.5 इंच सीना है, 33 इंच पेट है, 18 इंच शोल्डर रखना है और 24 इंच की बाजू रखना है। तो दोस्तों मेरे पास में ये नाप है जो मैंने आपको कन्फर्म अवगत करा दिया नाप से। 27.5 लंबा रखना शर्ट मेरे को, 37.5 इंच का सीना है, 33 इंच पेट है और 18 इंच शोल्डर रखना है, 24 इंच की बाजू लगेगी इसमें। तो दोस्तों ये नाप मैंने लिख दिया। नाप लिखने के बाद में अब नीचे से कैसा रखना है, किस हिसाब से रखना है, वो सबसे पहले मार्किंग नीचे से शुरू होगी। नीचे ये साख वाला है, साख वाला है तो सबसे पहले जो नीचे का पार्ट है उसको हल्का आगे की तरफ झुकाव रखते हुए सीधा निशान बनाएंगे, और उसके बाद में 1 इंच ऊपर की तरफ निशान बना लेंगे। लिए नीचे पट्टी रहेगी और नीचे पट्टी वाला साक लगाना है, जितना तक कपड़ा फोल्ड होगा और साइड में साक लगेंगी। तो दोस्तों ये नीचे से निशान हो गया। अब हमें कितना लंबा रखना है वो उस हिसाब से हम इसको लंबाई रखेंगे। नॉर्मली हम लंबाई के अनुपात में यदि नीचे ओपन शर्ट नीचे से काट रहे एप्पल कट तो फिर हमें बराबर नाप में काटना होता है, और नीचे सीधी फोल्डिंग वाला बनाना हो तो फिर हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा काटना होता है। तो दोस्तों ये 27.5 इंच है, नीचे हमें फोल्डिंग रखना है तो मैं इसको 28 इंच पे मार्क करूँगा। 28 पे नीचे मैंने रखूँगा इन चीटें, 28 पर रख दो और ऊपर जहाँ तक पहुँच गया वहाँ पे मैं पहला मार्क करूँगा ऊपर की ओर। पहला मार्क मैंने 28 पे कर दिया। 28 से मैं करने के बाद में दोस्तों 1.5 इंच नीचे जो शोल्डर की मैं ढाल दूंगा 1.5 इंच की, वो 1.5 इंच नीचे की ओर एक मैंने निशान बना लिया। अब दोस्तों सीने के 4 इंच से जो मुड्ढा उतरेगा बाजू लगाने के लिए उसको हम मुड्ढा बोलते हैं। 37.5 इंच सीना है तो सीने के 4 इंच से 832 साढ़े आठ पॉइंट एक सीने के 4 इंच से निशान बनाना है। अब दोस्तों जो मैंने फुल लंबाई का उसके बाद में 1.5 इंच नीचे शोल्डर की ढाल का और उसके बाद में बाजू लगाने का जो मुड्ढे का मैंने निशान बना लिया, अब तीनों निशानों को मैं सीधे स्केल की सहायता से सीधा करूँगा। दोस्तों तीनों निशानों को मैंने सीधा कर लिया। तीनों निशानों को सीधा करने के बाद में अब हम जो साइड में रखेंगे मार्जिन आगे पट्टी के लिए पट्टी की प्लेस पट्टी बनाएंगे, या जो फोल्डिंग दिखने वाली दोनों साइड से वो पट्टी बनाएंगे, उस हिसाब से हमें कपड़ा रखना होता है। तो दोस्तों मैं दूसरी वाली पट्टी बनाऊंगा दोनों साइड से जो फोल्डिंग दिखने वाली, तो दोस्तों मैं 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखूँगा 2 इंच। दोस्तों 2 इंच पे मैंने मार्क कर लिए। 2 इंच पे मार्क करने के बाद अब मैं सीधी स्केल के साथ इन मार्कों को मिला देता हूँ। अब दोस्तों 37.5 का 4 इंच से हमें सीने का भी निशान बनाना है। अब लूजिंग के हिसाब से देना है,
डेढ़ इंच का लूज देना है, 2 इंच का लूज देना है, 1.25 का देना, 2.5 का देना। यदि ज़्यादा फुल पहन रहा हो लूज में तो 2.5 इंच का लूज मिलता है, और यदि फिटिंग में पहन रहा हो बराबर तो फिर 1.5 इंच का लूज चाहिए, और नॉर्मली पहन रहा हो तो आपको 2 से 2.25 इंच का लूज ही देना होता है। तो दोस्तों मैं 2.25 इंच की लूज देता हूँ। अब पेट है, पेट है 33 इंच, पेट 33 इंच है, तो पेट के 34 से 108 और 2.25 इंच। सवा दो इंच में लूजिंग दे देता हूँ। तो दोस्तों ये पेट के भी निशान बना लिए। अब जो कॉलर लगाना है मेरे को, ये 15 इंच की कॉलर लगाऊंगा मैं, तो इसमें 3.5 बाई 3.5 का मैं गला उतारूंगा। गला उतारने के लिए 3.5 बाई 3.5 का मैं गला उतारूंगा, तो 3.5 बाई 3.5 पे निशान बना लेता हूँ। अब शोल्डर मेरे को रखना है 18 इंच तैयार, तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 18.5 इंच के निशान बनाऊंगा। दोस्तों ये मैंने 18.5 इंच पे निशान बना लिया, मतलब 9 पे, 9 दूनी 18, ये देखिए दोस्तों 9 का 18 होता है, ये 9, 9 दो 18 और 9 साढ़े 18, 5 इंच दोनों सेट से मार्जिन जाएगा, और 9 का डबल 18 और 18.5। अब दोस्तों ये जो तिरछी ढाल वाला शोल्डर की ढाल का निशान था, वो यहाँ जहाँ तक ये मुड्डा उतरेगा वहाँ से मैंने इसको ढाल दे दिया। अब ढाल देने के बाद दोस्तों जो लूजिंग दिया मैंने 2 इंच का, उस ऊपर वाले शोल्डर की ढाल से इसको मिला लिया, और इसको मिलाने के बाद में यह राउंड दे दिया 1 से 1.25 इंच ऊपर तक ये राउंड जाता है, तो वो मैंने राउंड दे दिया। अब दोस्तों पेट वाला निशान और सीने वाला निशान को हम मिला लेते हैं, और सीने के निशान के बराबर हम नीचे से भी रखेंगे। तो ये 11 इंच है, तो ऑलरेडी नीचे से भी हम 11 इंच ही रखेंगे। दोस्तों चाक कितने रखने हैं वो अपने ऊपर निर्भर है, या फिर जो कस्टमर है कस्टमर के हिसाब से हमें रखना पड़ता है। लगभग आजकल नॉर्मली 4 इंच के चाक चलते हैं, जो नीचे फोल्ड होने के बाद में 2 से 2.25 इंच, 2.5 इंच तक के बच जाते हैं, लगभग 3 इंच। तो दोस्तों ये 4 इंच मैंने निशान बना लिया। अब मैं जो ये फर्स्ट पाके इस फर्स्ट पार्ट की कटिंग कर देता हूँ। जो ये पट्टी है और जो गले का निशान बना हुआ है, गले के निशान से लगभग 1.5 इंच ऊपर की ओर हमें काटना है, उसके बाद में वापस जो निशान है उसके अनुसार काटेंगे। पहले 1.5 इंच क्यों काटा, क्योंकि ये जब फोल्ड होगा तब ये वापस, यदि हम इसके बराबर काट देंगे तो फिर ये 0.5 इंच 1.25 इंच नीचे चला जाएगा, इसलिए इसको डबल में करते समय इसका ख्याल रखेंगे और 1.5 इंच हम ऊपर काटेंगे, ताकि ये डबल में जब फोल्ड करेंगे तो हमें समस्या नहीं होगी।
दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट कट चुका है। फर्स्ट पार्ट कटने के बाद में जो निशान है नीचे वाला, इस यहाँ पे भी हम टुक लगा लेंगे। और इसको जस्ट अब ये डबल फोल्ड किया हुआ था हमारे सामने, जो खुला मुंह हमारे सामने था, अब इसको हम उल्टा कर लेंगे। सीधा ऐसे उल्टा कर लिया और उल्टा करने के बाद में दोस्तों इसको हम ऐसे जमा लेते हैं। और यदि आप कुछ कपड़े में कमी पेशी की समस्या हो तो फिर आप इसको खोल के एक साइड में ये अभी दो टुकड़े होंगे, नहीं तो आप एक साइड में खिसका के भी काट सकते हो। और नहीं तो फिर समय की बचत देखना हो और कपड़ा फुल हो तो फिर आपको इस साइड को दोनों टुकड़े बनते रहने कोई दिक्कत नहीं, और इसको यहाँ मेजरमेंट करते हुए सेट करते हुए आपको काट लेना है। दोस्तों फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट हमेशा आधा इंच कम करता है फोल्डिंग में। ये दोनों फर्स्ट पार्ट है और उसके बाद में सेकंड पार्ट कटेगा, तो फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट हमेशा आधा इंच कम कटेगा, क्योंकि जो आगे का पार्ट है उसमें जो काज और बटन होंगे तो उसमें आधा आधा इंच इंच एक्स्ट्रा चला जाता है ऊपर नीचे होने पर, और जो पीछे का पार्ट है वो बिल्कुल बराबर रहता है। इसलिए दोस्तों आधा इंच हमेशा कम कटता है। दोस्तों नीचे कटिंग सेम होती है हमेशा, जो मुड्डा है उससे ऊपर की कटिंग भिन्न होती है। तो दोस्तों मैं ऊपर की कटिंग आपको बता देता हूँ, यहाँ तक की कटिंग नीचे से सेम होगी। ऊपर दोस्तों शोल्डर आप अलग से सीधा शोल्डर लगाते हो तो फिर आपको इस जो शोल्डर का निशान बनाओ यहाँ तक काट कपड़ा नीचे से काट के बनाना होता है, और नहीं तो फिर आप वी कट वगैरह स्पेशली जो डिजाइन का शोल्डर बनाओगे तो फिर आपको जो ये ढाल दी रखी 1.5 इंच की, इससे 3.25 इंच ऊपर, 3.25 इंच 3.25 इंच ऊपर की और एक निशान बना दो होता दोनों साइड से 3.25 इंच। इस पर निशान बनाने के बाद दोस्तों इसको सीधे सील के साथ से निशान को सीधा कर लो। और अब हमने जो 3.25 इंच का ही गड्ढा दिया था पहले, 3.5 बाई 3.5 का उतारा था, तो 3.25 इंच नीचे रखेंगे और यहाँ से हम 2.25 इंच रखेंगे नीचे गड्ढे को। 3.25 चौड़ाई बराबर लिया और गड्ढा 2.25 इंच का लिया। अब हमें शोल्डर रखना है 18 इंच तैयार। पाव पाव इंच हम मार्जिन यूज करेंगे इसका, तो 18.5 इंच हमें काटना है। तो 18.5 का आधा आता है 9.25, तो ये डबल में 18.5 होगा, आधा में 9.25। तो हमने ये 9.25 नाप लिया, 9.25 नापने के बाद में निशान बना लिया। अब दोस्तों इस निशान को हम इसको मैंने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद में अब दोस्तों ये जो है मार्क जो आगे वाले कट से जो पीछे का पार्ट है उसमें कपड़ा कम कटेगा और ये लगभग आधे से 1.25 इंच पीछे वाला पार्ट ज़्यादा रहेगा। ये 1.25 इंच है दोस्तों बराबर, लगभग 1.25 इंच परफेक्ट, तो ये ज़्यादा रहेगा। और पहला पार्ट है जो उसमें ज़्यादा कट लगेगा और दूसरे पार्ट में कम कट लगेगा, कम कटेगा पार्ट। दोस्तों ये मार्किंग हो गई, अब मैं इसी मार्किंग के ऊपर आपके सामने कटिंग करता हूँ। दोस्तों नीचे से कटिंग सेम रहेगी, आधा इंच पाल्ट कम रखना वो मैंने रख दिया पहले से ही, बाकी कटिंग नीचे से सेम होगी। दोस्तों ये गले का सेंटर टुक लगा लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों 1.25 इंच लगभग पीछे वाला पार्ट ज़्यादा कट गया, इसमें राउंडिंग ज़्यादा आई थी,
अब हमें बाजू काटना है, बाजू काटना है, फिर हम सीधा ये सेंटर से भी ले सकते हैं और आगे वाला पार्ट से भी बाजू काट सकते हैं। तो इसको आगे वाले पार्ट से यदि फोल्ड करेंगे तो उसको सीधा रखेंगे पीछे वाले को और आगे वाले पार्ट को फोल्ड कर देंगे। हमने मुड्ढा उतारा 8.5, तो हमें बाजू भी कटना है 8.5। एक सूट ज़्यादा हो सकता है परंतु कम नहीं। दोस्तों बाजू जितना काटना हमें 24 इंच तैयार चाहिए, तो हम 1 इंच कम काटेंगे, 23 इंच इसको काटेंगे। 1 इंच कम, 2 इंच का हम आगे 2.5 इंच का कप लगा लेंगे, तो उससे आधा आधा इंच दोनों साइड से मार्जिन जुड़ेगा, वो कम हो जाएगा और आधा 1 इंच एक्स्ट्रा जो नाप में हमने कम काटा वो जुड़ जाएगा। तो दोस्तों 24 इंच है तो हमें 23 इंच काटना है। 23 इंच काटना, ऊपर से हमें 3.5 इंच नीचे की ओर हमें रखना है 8.5 इंच, 8.5 सूत, और नीचे से हमें यदि फिटिंग का हो तो फिर 5.5 इंच रखना है नीचे से, और फिटिंग का नहीं वो नॉर्मल ही हो तो फिर हमें 5.5 इंच लूजिंग रखना है नीचे से बाजू। तो ये नॉर्मली है, हमें इसको 5.5 इंच रखना है, 5.5 इंच रखेंगे हम नीचे से, और ऊपर से ये 9.5 8.1 सूत रख दिया मैंने। अब दोस्तों ऊपर से अलग कर लिया, साढ़े 3 इंच नीचे की ओर हमें गड्ढा देना, 3.5 इंच नीचे। इस गड्ढे को दे दिया, अब पहले फर्स्ट और सेकंड दोनों को बराबर में दे दिया। उसके बाद में जो आगे का पार्ट है उसको हम ज्यादा छंट उतारेंगे, ज़्यादा गड्ढा देंगे, तो इसलिए 0.5 इंच हम बाद में गड्ढा दे देंगे। तो दोस्तों ये लगभग 0.5 इंच का आगे वाले पार्ट में ज़्यादा गड्ढा आएगा, वो मैंने दे दिया, पहले दोनों को बराबर दे दिया था। दोस्तों ये इस हिसाब से बाजू का ऊपर का भाग, ऊपर का छंट कट गया। अब हम नीचे से जो डंडी काटेंगे इसको पहले डबल में फोल्ड कर दिया। डबल में फोल्ड करने के बाद में जो उरेबी वाला पार्ट है वो पीछे वाला पार्ट, उसको हम पीछे रखेंगे, इसके लिए उसको फोल्ड करेंगे, और जो पीछे भाग रहेगा उसको अंदर रखते हुए हम नाखून की सहायता से निशान बनाएंगे। दोस्तों नाखून की सहायता से निशान बन गए, अब हम जो निशान बने उससे 0.5 इंच अंदर की ओर ये हम काटेंगे, 0.5 इंच अंदर की ओर, 5 से 5.5 इंच की हम डंडी काटेंगे। तो ये दोस्तों मैंने 5 से 5.5 इंच की डंडी काट ली, अब ये बाजू की कटिंग संपन्न हो गई। अब मैं शोल्डर की कटिंग करता हूँ।
दोस्तों जो साइड से कपड़ा बच गया था, जो बैक काटा पीछे वाला पार्ट, उसमें जो साइड कपड़ा बच गया उसमें से हम एक पार्ट को लेंगे और शोल्डर की कटिंग संपन्न करेंगे। शोल्डर में 18.5 इंच तैयार चाहिए, कपड़ा होगा 18.5, 18 इंच तैयार रहेगा ऑलरेडी। 5.5 इंच दोनों साइड से हम मार्जिन यूज करेंगे। दोस्तों अब इसके ऊपर हम इसको सेट करेंगे। इसको बराबर ऊपर सेट करते हुए, ये बराबर सेट हो गया। बराबर सेट करने के बाद में अब दोस्तों ये ऊपर से बराबर कट लिया। अब हमें जो डिजाइन देना है वो हमारे ऊपर निर्भर रहेगा कि हमें कौन सा डिजाइन का शोल्डर बनाना है, या फिर कस्टमर की चॉइस है। कस्टमर की चॉइस के अनुसार हमें इसको डिजाइन देना है। तो दोस्तों मैं पीछे से यह डिजाइन रखूंगा, तो मैंने इस हिसाब से ये नीचे से डिजाइन काट दिया। दोस्तों ये शोल्डर की कटिंग संपन्न हो गई। शोल्डर की कटिंग के साथ दोस्तों जो शर्ट की कटिंग थी वो संपन्न हो गई। अब कॉलर और कप कटिंग करना है, वो आप भी कटिंग कर सकते हो, या फिर आप नहीं कटिंग करना जानते हो तो आप मेरा कॉलर और कफ कटिंग का अलग से वीडियो स्पेशली देख सकते हो, और आप भी कटिंग वो वीडियो देख कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना, और यदि आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं बताना, ताकि मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कॉमेंट और शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।